दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके होम थिएटर में आवाज कम आती है या आपको उसमें ज्यादा आवाज चाहिए तो आप उसको कैसे, उसकी आवाज जो है वो बढ़ा सकते पर हैं। दोस्तों दोस्तों, इसकी आवाज जो है वो कस्टमर को शिकायत थी कि इसमें आवाज जो है वो काफी कम आ रही है। फिर मैंने इसको चेक किया तो देखा कि इसकी आवाज बिल्कुल ठीक है, उसको ही कम लग रही है। इसलिए दोस्तों, मैंने इसमें एक ऐसा जुगाड़ बनाया है जिसकी वजह से इसकी आवाज जो है अब वो बहुत ही ज्यादा हो गई है। दोस्तों वीडियो दोस्त पर अंत तक बने रहें क्योंकि इस वीडियो में ही आप बहुत कुछ सीख पाएंगे और आप ये भी जान पाएंगे कि मैंने इसकी आवाज जो है वो कैसे जो है वो 4 गुना ज्यादा करी है। दोस्तों, ये बहुत ही आसान है और इससे आप 8-8 इंच के 4 स्पीकर या फिर 10-10 इंच के 2 स्पीकर आराम से बजा पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, टाइम ना गवाते हुए मैं फटाफट से आपको इसको दिखाता हूं कि मैंने इसमें ऐसा क्या किया है जिससे कि इसकी आवाज जो है वो बहुत ही ज्यादा हो गई है। तो दोस्तों, मैं इसका फिलहाल कवर हटा लेता हूं और उसके देखिए दोस्तों, मैंने इसका कवर हटा दिया है और चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने इसमें ऐसा क्या किया है। देखिए दोस्तों, ये इसका कवर मैंने हटा दिया है और मैं आपको दिखाने वाला हूं। देखिए दोस्तों, इसमें मैंने क्या किया है कि मैंने इसमें एक जो है वो अलग से एक सर्किट लगाया है 44-40 का। दोस्तों, ये बहुत ही आसान है। देखिए, ये इसका 20-30 वाला सर्किट है और ये इसका ट्रांसफार्मर है 12-0-12। इसके अलावा दोस्तों, मैंने एक ये ट्रांसफार्मर लगाया है 2 एम्पियर का और इसके साथ में एक ब्रिज रेक्टिफायर भी बना करके यहाँ लगा दिया है और इसके बाद में मैंने एक डबल आईसी में ये 44-40 का सर्किट भी लगा दिया है। दोस्तों, इस सर्किट को लगाने के बाद में और दोस्तों, मैंने इसके वॉल्यूम जो है वो यहाँ पर लगाए हैं क्योंकि इसकी बॉडी काफी मोटी होती है, इसमें वॉल्यूम टाइट नहीं होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं। ये बहुत ही बेहतरीन इसकी साउंड है और मैं आपको ये चेक करके भी दिखाऊंगा कि इसकी आवाज जो है वो फिलहाल कैसी है। होम थिएटर है, उसको चेक कर लेता हूं और उसके बाद आपको इसके इस पर मैं 10-10 इंच के स्पीकर लगाकर भी इसकी साउंड आपको सुनाऊंगा कि ये बजाता है या नहीं बजाता है। और इसको मैं पावर में लगा देता हूं। देखिए दोस्तों, इसमें पावर जो है वो आ गई तो है। मैं इस पर ऑडियो भी लगा देता हूँ और उसके बाद में चेक करके देखते हैं साउंड कैसी आती है। दोस्तों, इसकी साउंड बहुत ही बढ़िया आ रही है। चलिए अब मैं इस पर आपको 2 स्पीकर लगा करके दिखाता हूँ 10-10 इंच के और देखते हैं कि उसमें साउंड कैसी आती है। फिलहाल ये हम लगी रहने देंगे क्योंकि ये भी बजेंगे और इसके अलावा 2 स्पीकर और लगा के देखते हैं। स्पीकर सॉकेट मैंने लगा रखा है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मैंने स्पीकर सॉकेट जो है ये लगा रखा है। दोस्तों, मैंने स्पीकर के वायर जो है वो अच्छी तरह से लगा दिए हैं। चलिए मैं आपको होम थिएटर की आवाज एक बार और सुना देता हूँ। तो दोस्तों, ये होम थिएटर की आवाज है, ये बहुत ही बेहतरीन चल रहा है। चलिए अब मैं इसको बंद कर देता हूँ वॉल्यूम से और हम इस वाले वॉल्यूम से अब इसके स्पीकर की आवाज बढ़ा करके देखेंगे कि इसमें कैसी साउंड जो है वो आती है। दोस्तों, ये बेस के लिए है और ये इसका वॉल्यूम है। दोस्तों, इसकी बेस जो है वो बहुत ही ज्यादा है और इसमें आवाज भी बहुत ही ज्यादा है। दोस्तों, इस तरह से आप अपने नॉर्मल एक छोटे से होम थिएटर्स में भी आप बहुत ज्यादा आवाज कर सकते हैं और बहुत बड़े बड़े इससे स्पीकर बजा सकते हैं। दोस्तों, इस तरीके से आप एक सर्किट बोर्ड लगा सकते हैं और एक ट्रांसफार्मर आपको लगाना होगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।